गाइज आई एम बैक विद अनदर वीडियो और ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो स्टूडेंट वीज़ा पर न्यूजीलैंड जाने की सोच रहे हैं। तो अगर आप ये वीडियो देखोगे तो आपको ज़रूर कुछ ना कुछ हेल्पफुल टिप्स मिलेगी और आपको पता चलेगा कि वहाँ पर लाइफस्टाइल कैसी है और वहाँ पर स्टूडेंट वीज़ा पर अगर आप जाओगे तो आपके शुरू का टाइम आपका कैसा बीतने वाला है, आपको कैसा फील होगा। तो पूरी वीडियो देखिए एंड तक और मेरे को बताइए आपको कैसी लगी। हाय गाइस, तो शुरू करते हैं पहले पार्ट से कि अभी आप इंडिया में हो और आपने सिर्फ प्लान किया है न्यूजीलैंड जाने के लिए, आपका मन किया कि हाँ मुझे बाहर स्टडी करनी चाहिए। तो फिर अगर आपको क्या चाहिए, सबसे पहली चीज़ तो आपको पासपोर्ट चाहिए, विच इज़ वेरी ऑब्वियस। फिर उसके बाद आपका आता है आइल्स और आपके फंड्स। तो आइल्स आपका क्लियर करना बहुत ज़रूरी है, ये हमारे इंडियन लोगों के लिए न्यूजीलैंड ने बनाया हुआ है कि अगर आप आइल्स एटलीस्ट 6 समथिंग चाहिए यहाँ पे आने के लिए। डिफरेंट कोर्स हैज़ डिफरेंट रिक्वायरमेंट, सो प्लीज़ चेक दैट। एंड बट अगर आपको वीडियो चाहिए आइल्स के ऊपर कि आइल्स कैसे क्रैक करना है, तो मैं वो भी वीडियो बना सकता हूँ और आपको बता सकता हूँ कि कौन सी कोचिंग में जानी है अगर आप दिल्ली से हो तो। और बाकी फंड्स आपको चाहिए होते हैं सफिशेंट और शो करने के लिए, और फीस भरनी होती है वीज़ा लगवाने से पहले, तो वो चीज़ भी मैं कवर कर सकता हूँ किसी लंबी वीडियो में, दूसरी वीडियो में। बट ये सिर्फ पहला पॉइंट है तो जिसके बारे में आपको प्रिपेयर होना है। सो पार्ट टू कवर करते हैं कि यहाँ पे अकोमोडेशन सिस्टम कैसा है। यहाँ पे रेंट काफ़ी ज़्यादा है कंपेयर टू इंडिया, ऐसा मुझे लगता है अगर आप कन्वर्ट करें इंडियन रुपीज़ में। बट यहाँ पे घर कैसे ढूंढना है उसके लिए तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा, अगर आप इंडिया में हो तो आप पहले से ही यहाँ पे घर ढूंढ सकते हैं। फेसबुक पर पेजेस है और यहाँ की कुछ वेबसाइट्स है जहाँ पर आप पहले से ही अपना वहीं से अपना कमरा बुक कर सकते हैं, एक कमरा जो भी आपको प्राइस ठीक लगे और लोकेशन ठीक लगे। लोकेशन मेक श्योर आप चूज़ करें कि आपके कॉलेज के पास में हो ताकि आपको ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो, ये सबसे इम्पोर्टेंट थिंग है। बिकॉज आपको 1-2 जितना भी पढ़ना है अगर आप काफ़ी दूर ट्रैवल करोगे तो आपके लिए बहुत मुसीबत होने वाली है, फिर यहाँ पर आकर आप चेंज करोगे, इससे अच्छा है वहीं से ढूंढ लो। तो बाकी यहाँ पे हर चीज़ वीकली होती है, आपको रेंट भी वीकली देना पड़ता है, अगर आप कुछ काम करते हो तो आपकी सैलरी भी वीकली आती है, तो उससे थोड़ा लाइफ इजी है। बट तो ये थी नंबर 2। सो पार्ट 3 इज़ दैट यू कैन ओनली वर्क 20 इन अ वीक। जैसे कि मैंने बताया कि हर हफ्ते यहाँ की चीज़ें वीकली होती है, मंथली नहीं होता यहाँ का रेंट और सैलरी, तो आप हफ्ते में 20 घंटे ही काम कर सकते हैं अगर आप स्टूडेंट वीज़ा पर हो तो, विच इज़ आई थिंक राइट, बिकॉज आपको अपनी स्टडी पे ध्यान देना। आप स्टूडेंट वीज़ा पर हो तो आपको मेक श्योर यू स्टडी ऑल द कॉन्सेंट्रेशन, तो आप काम पे इतना ध्यान ना दो। तो 20 घंटे में आपको $200-250 कुछ कमा लोगे, तो विच इज़ फाइन फॉर यू बिकॉज आप स्टूडेंट हो, आपकी स्टडी ख़त्म हो जाएगी इसके बाद आप काम ही काम करना है, तो अभी पढ़ाई पे ध्यान दो और 20 घंटे काम करो। और अगर आपका कैसे नहीं चलता काम यहाँ पर 20 घंटे में, तो आपको इलीगली काम करना पड़ता है जिसे अंडर द टेबल बोलते हैं, तो उसके लिए आपको कैश में करना पड़ता है, वो आपका पैसा बैंक में नहीं आएगा। अगर आया तो आप पकड़े गए तो इलीगल, सो दे कैन डिपोर्ट यू एंड सेंड यू बैक टू इंडिया, सो बी केयरफुल विद दैट। सो दिस वाज द नंबर पार्ट 3। ओके, सो नंबर 4 इज़ यहाँ के लोग और यहाँ के फूड। अब यहाँ पे आने से पहले हम सबको यही लगता है कि हम यहाँ पर आएंगे और हमें सिर्फ गोरे ही गोरे दिखने को मिलेंगे, बट अपने आप को प्रिपेयर कर लो कि यहाँ पर पूरी दुनिया भर के लोग हैं, ऐसी ऐसी कंट्री से आपको लोग मिलेंगे जहाँ का आपने नाम भी नहीं सुना होगा, तो उसके लिए प्रिपेयर हो जाओ। यहाँ पे आके मेरी तरह सरप्राइज मत होना कि इतने सारे यहाँ पे अलग नेशनैलिटी के लोग हैं, तो काफ़ी मल्टी कल्चरल मल्टी नेशनैलिटी सिटी है, तो वो अच्छी बात है, काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा, पूरी दुनिया देखने को मिलेगी। और खाने की बात करें तो पूरी दुनिया भर का खाना यहाँ पे आपको खाने को मिलेगा। तो अभी जैसे कि आप सिर्फ इंडियन खाना ही खाते होगे इंडियन में, बट यहाँ पे आपको चाइनीज़, कोरियन, जापनीज़, मलेशियन, यहाँ पे पूरी दुनिया भर का खाना है यहाँ पे आप खा सकते हो, तो वो बहुत अच्छी चीज़ है, तो आपको काफ़ी कुछ नया एक्सपीरियंस होगा इससे। तो ये थी नंबर 4। हाय गाइस, तो 5वीं चीज़ मैं ये बोलना चाहूँगा कि अपना कोर्स बिल्कुल ध्यान से चुनो, सिर्फ ये मत सोच के चुनो कि यहाँ पे इसका स्कोप ज़्यादा है उसका स्कोप ज़्यादा है तो मैं ये कोर्स चुन लेता हूँ। प्लीज़ चूज़ द कोर्स विच यू रियली हैव इंटरेस्ट इन, तो ये बहुत ज़रूरी चीज़ है, बिकॉज आफ्टर और कोर्स ख़त्म होने के बाद आपको अपने कोर्स रिलेटेड ही जॉब करनी होगी, फिर जब आप जॉब करने जाओगे 1 करोगे 2 करोगे बाद में बोर हो जाओगे, तो इसलिए अगर आपको उसमें इंटरेस्ट होगा तो बोर नहीं होगे और काम अच्छा परफॉर्म करोगे,
अच्छा वर्क होगा और उससे आप काफ़ी आगे बढ़ोगे लाइफ में, तो वो बहुत जरूरी चीज़ है। तो इसलिए प्लीज़ अपना कोर्स चाहे कुछ भी चुनो, चाहे ज़रूरी नहीं है कि वो हायर स्टडीज हो, चाहे यहाँ तक कि अगर आपको मेरी तरह अगर हेयर स्टाइलिंग पसंद है तो आप अपना हेयर ड्रेसर का कोर्स चुन सकते हो अगर आपको उसमें इंटरेस्ट है। तो ये मत सोचो कि इस कोर्स की वैल्यू नहीं है उस कोर्स की, सब यहाँ पर सब चीज़ की वैल्यू है। तो बस अपना कोर्स ध्यान से चुनो और वही चुनो जिसमें आपको इंटरेस्ट है। हाय गाइस, सो लास्ट थिंग इज़ दैट यहाँ का ट्रांसपोर्ट सिस्टम हमारे इंडिया की तरह बिल्कुल भी डेवलप नहीं है, चाहे कितनी भी डेवलप्ड कंट्री ये हो, और ट्रांसपोर्ट सिस्टम यहाँ का अभी भी बहुत पीछे है। यहाँ पे बसें इतनी ज़्यादा नहीं चलती, और चलती भी है तो वो कुछ कुछ जगह है जहाँ पे बस जा ही नहीं सकती। तो यहाँ पे गाड़ी लेना बहुत ज़रूरी है हर किसी के लिए। यहाँ पे अगर घर में चार लोग हैं तो चारों के पास अपनी अपनी गाड़ी होती है, बट गाड़ी यहाँ पे सस्ती है, आप अफोर्ड कर सकते हैं आराम से, तो उसके लिए टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे हर कोई आता है स्टूडेंट वीज़ा पर, तो जाए पहले साल वो जब बस में निकाला था, दूसरे साल मोस्टली हर लोग यहाँ पे गाड़ी में होते हैं, तो वो चीज़ यहाँ पे अच्छी है। गाड़ी सस्ती है तो आप गाड़ी ले सकते हैं, और अगर कौन सी गाड़ी चूज़ करनी है वो भी काफ़ी इजीली यहाँ पे आप अपना सर्च कर सकते हैं कि मुझे ये गाड़ी चाहिए और इस कलर में चाहिए, आपको काफ़ी यहाँ पे वैरायटी मिल जाएगी, तो वो अच्छी चीज़ है यहाँ पे। हाय गाइस, तो एक बोनस पॉइंट आपके लिए कि यहाँ पर रेसिज्म कैसी है। रेसिज्म यहाँ पर बहुत कम लेवल पर है, बट हल्की फुल्की रेसिज्म तो मेरे हिसाब से पूरी दुनिया में हर जगह ही होती है। तो अगर आप हल्की फुल्की बातों का ही बुरा मानने लगे तो फिर तो अच्छा नहीं है। तो इसलिए अगर आप कोई बोले करी बॉय, तंदूरी चिकन, बटर चिकन, तो आपको बुरा नहीं मानना चाहिए, और जस्ट फ्रेंडली लो अगर वो फ्रेंडली में बोल रहे हैं, तो जैसे आप भी उनको कुछ बोल सकते हो वो भी बुरा नहीं मानेंगे। लेकिन अगर कोई सीरियसली बोल रहा है तो या देन यू कैन जस्ट गेट ऑफेंडेड, बट अदरवाइज इट्स ऑल गुड नाउ, ऐसे कोई खास बड़ी बात नहीं है। तो ये थी मेरी कुछ आपको प्रिपेयर करने की पॉइंट्स, तो जिससे शायद आपको हेल्प मिलेगी। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब, एंड प्लीज़ वॉच माई नेक्स्ट वीडियोज विच आर अबाउट टू कम सून। एंड आपको किसी भी बारे में वीडियो चाहिए तो आप प्लीज कमेंट डाउन बिलो।